बंदी की मौत से नाराज भाई ने अस्पताल में डिप्टी जेलर से की हाथापाई। अधिकारियों की सूझबूझ से मामला हुआ लगभग शांत। देखिए रीवा दर्शन की खास रिपोर्ट। केंद्रीय जेल रीवा में निरुद्ध बंदी की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों के निशाने पर जेल के अधिकारी रहे। अस्पताल में झूमा झटकी की नौमत तक आ गई। आरोपी मृतक बंदी का भाई सेना का जवान होने के कारण और जेल अधिकारियों की सूझबूझ से विवाद लगभग सुलझ गया। फिलहाल मृत बंदी का शरीर अस्पताल के शवगृह में रखा हुआ है। हम बताना चाहेंगे कि सुहागी क्षेत्र के ददरी पैरा के निवासी पीडब्ल्यूडी में चपरासी पद पर पदस्थ रामगोपाल पांडे पर 10 अगस्त को उनकी भतीजी ने दुष्कृत का आरोप लगाया था। इसके बाद गत दिनों स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल रीवा भेज दिया गया। पिछले 7 दिनों से रामगोपाल जेल में था। बताया गया है कि रामगोपाल पांडे 52 वर्ष के हैं और शुगर के मरीज थे। रात में इनकी तबीयत खराब हुई थी। जेल प्रबंधन ने इन्हें सुबह संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया। उपचार शुरू होने के दौरान ही इनकी मौत हो गई। सूचना पाते ही परिजन संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। उनका आरोप था कि रामगोपाल स्वस्थ था और मारपीट से उसकी मौत हुई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि बंदी की मौत के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंपने के उद्देश्य से डिप्टी जेलर रवेश मारावी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान आक्रोशित परिजनों से बहस होने लगी। बाद में मृत बंदी के भाई व सेना के जवान अरुण पांडे से झूमा झटकी की नौमत आ गई। पहले से ही वहां मौजूद सिविल लाइन थाना की पुलिस उन्हें थाना ले आई। इस बीच डिप्टी जेलर रमेश मरावी ने दरियादिली दिखाते हुए तथा मृत बंदी के भाई की भावनाओं का आदर करते हुए किसी भी प्रकार की FIR करने पर सहमति नहीं जताई तथा कहा कि वो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं। भाई की मौत पर आक्रोश होना कोई बड़ी बात नहीं है। बाद में कुछ घंटों बाद मामला सुलझ गया। शामकाल PM के पश्चात डेड बॉडी परिजनों को सौंपी गई, लेकिन साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा और बताया गया है कि पुलिस अपनी मौजूदगी में मृतक का शव लेकर गांव रवाना हो गई है, जहां अंतिम संस्कार संभवतः 22 अगस्त को हो पाएगा। सुहागी पुलिस उनको पकड़ के ले गई। हम उनके भाई हैं, जो कि आज तक हम लोगों को सूचना नहीं दी। हमारे पे जाने के बाद वहाँ उनको जेल भेज दी। जब वहाँ से यहाँ आए तो हम उनकी माँ हम लोग जब आए यहाँ तो उनसे बताया गया, जेलर से जो यहाँ के अधीक्षक हैं तो उनको बताया गया कि भाई वो तो शुगर के मरीज हैं, उनको व्यवस्था अस्पताल में कराया जाए या उनकी दवाई करवाया जाए, मर जाएं। कुल मिला के हम लोगों की मांग है कि जेल प्रशासन के और थाना पुलिस सुहागी के ऊपर न्यायिक जाँच बैठाई जाए और दोषियों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए। तो सुहागी पुलिस वालों ने रामगोपाल पांडे को ले गई, लेकिन रामगोपाल पांडे घर वालों को सूचना नहीं दिया सुहागी पुलिस वालों ने कि उनकी पत्नी घर पे थी, उनकी पत्नी घर में थी, खाना खाते समय लेके गए हैं कि तुम्हारे पति के ऊपर ये आरोप है, मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस ने जो है जब लड़की पागल थी, लड़की के ऊपर कोई मतलब बलात्कार नहीं हुआ और उसकी एक भाभी ने जबरदस्ती लड़की को ले गई और रिपोर्ट करवा दिया। उसका विवाह चल रहा था, उसका पारिवारिक विवाह था, उसका उसके भाभी का और रामगोपाल पांडे का विवाद हुआ था, उसका भाई यहीं पे पकड़ा था पुलिस ने। इसके बाद क्या हुआ कि सुहागी पुलिस ने वहाँ पे जांच नहीं किया, इंक्वायरी नहीं किया और तत्काल जो है रामगोपाल पांडे को सेंट्रल जेल पहुँचा दिया, जो की जाँच करने के बाद रामगोपाल पांडे को PM के लिए आ रहे थे, साथ में तहसीलदार साहब थे और हमारे स्टाफ वाले, उनका कहना ये था कि आप लोगों ने मार डाला ये बोल के हम पे झूम गए। और 4-6 लड़के थे और दो को तो हमने थोड़ा पहचान लिया है और सामने आए उनको भी हम पहचान लिए। हमने के आर्मी में था, सरकारी आर्मी में वो काफ़ी कुछ समझदार लग रहा था, जब आर्मी की नौकरी कर रहा है लेकिन वो भी क्या कहना चाहिए, वो भी देश की सेवा कर रहा है, हम भी पब्लिक की सेवा ही कर रहे हैं, है ना, कोई किसी का वो तो नहीं करता है। उसको यही समझा रहे थे कि आपने इनको वो की दिया, लेकिन उकसाने वाला वही था मैं। और उनने हम यहाँ तक पहुँच गए थे, उनने खुद हमको शटर से इधर अंदर ढकाया और इसके बाद फिर हमारे स्टाफ 4-6 लोग थे, हमें भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, नॉर्मल सी बात नियम होना था।
तो हम यहाँ आए, हमको धसा के यहाँ अंदर कर दिए। उन्होंने लात और घूस से हमको सुनवाना चालू किया। सत्रह सबसे पहले चीज़ हम लोग ना, मैं रीवा का हूँ। नहीं ठीक है, बात सुनिए, जो लड़े थे नहीं बात सुनिए पहले। ना मैं रीवा का हूँ, मैं भी एक नौकरी करने आया हूँ, है कि नहीं। मैं भी किसी मानव का सेवा कर रहा हूँगा, है ना, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। ये चीज़ उनको ऊपर उठ के काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उनको तो सहयोग करना चाहिए था। जो भी है वो तो सब उसमें आएगा ना, किसी के कहने या कुछ थोड़ी करेगा।